अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं सोचा कि आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूँ जो मैंने मेरी भाभी ने किया था। तो ये 4 साल पहले सूट बनकर आया था, तो मैंने वियर नहीं किया था। आज मैंने निकाला है, तो मैंने कहा चले आपको बताऊँ कि किस तरह तैयार हुआ था ये सूट। आया तो था, बहुत सारे डिज़ाइन थे इसमें, पंच बने हुए थे। तो भाभी ने कहा कि नहीं भाजी, बहुत हैवी हो जाएगा, तो बताएं क्या करूं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, वो आप निकाल लें सब कुछ और मेरी बेटी का सूट एक बना दें, उसमें लगा दें। तो उन्होंने दामन पर और आस्तीन पर लगवाया था और फिर मेरा ये सूट बनाया था। तो मेरी आस्तीन पर सिर्फ ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो ये आस्तीन पर सिर्फ बनाया था मेरा डिज़ाइन, बाकी तो प्रिंट है सारा। ये देखिए, बस मेरा मकसद ये था बताने का कि आप लोग इस तरह भी कर सकते। इसका बैक साइड ये है, ये देखिए, और बिल्कुल सिंपल सा सूट है और बहुत हल्का सा हो गया, अच्छा लग रहा है। वो हैवी हैवी फिर पहनने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ बनकर आए मेरे हैवी हैवी, फिर बाद में मुझे अक्ल आई कि नहीं, मुझे नहीं बनाने चाहिए, इस तरह कर लेना चाहिए। तो बेटी का एक सूट इतना खूबसूरत और बहुत अच्छा सा बन गया था, ब्लैक कपड़ा लेकर, और उसमें भाभी ने सारे डिज़ाइन लगवा दिए थे, तो बहुत प्यारा लगता है वो सूट भी। और ये मेरा है, तो ये देखिए, इसकी ये शलवार है और ये दुपट्टा है वेलवेट का। ये जो वेलवेट होती है इस तरह का, ये देखिए, बहुत खूबसूरत सूट है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चले आज मैं निकाल लेती हूँ, बीमारी ने मोहलत ही नहीं दी कि कुछ वेयर करूँ या क्या, ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको अपना ही आइडिया भी बता दूँ, है तो छोटी सी बात, मगर मैंने कहा चले अच्छा है। छोटी बच्चियाँ जो हैं पहनती हैं, नित नए डिज़ाइन बनाती, तो वो सीख लें कुछ हमसे भी। इसलिए इसका गला ऐसा है, क्योंकि मैं इस तरह के गले पहनती हूँ, मुझे गोल गले और इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। तो या तो भी या फिर इस तरह कंठा लगा हुआ और इस तरह के गले में यूज़ करती हूँ, बनवाती हूँ। तो मेरे पाकिस्तान से ही आते हैं कपड़े बनकर और वहीं के पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे रेडीमेड नहीं पसंद बिल्कुल भी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये देखिए बैक साइड, ये फ्रंट, अब चलती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।